खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कल 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। शाम तक अपने अपने मतदान केंद्र स्थल पर पहुंच जाएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होने हैं। प्रतापगढ़ के 17 ब्लॉकों व जिला पंचायत में कुल 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 2,815 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने हेतु केंद्र के आसपास के ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी और चुनाव की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर मतदान केंद्र पर एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 10 हेड कांस्टेबल, 10 कांस्टेबल, 5 महिला कांस्टेबल, पीएससी बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। कल 9 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी के विधान परिषद का चुनाव कराया जाएगा। उसमें मतदान की कार्रवाई कल होनी है। इसके लिए आज सभी पोलिंग पार्टियों की रवानगी कराई जा रही है। हमारे 18 इसमें मध्य स्थल हैं, जिसमें 2,815 हमारे वोटर्स हैं जो अपना मत का प्रयोग करते हुए इस चुनाव में प्रतिभाग करेंगे। हमारी पोलिंग पार्टियां आज ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगी। ये चुनाव क्योंकि मतपत्र से होता है, तो हमारी सभी पोलिंग पार्टियों को 2 राउंड की ट्रेनिंग कराई गई है। हर मध्य स्थल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती करी गई है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती करी गई है। हर जगह पर CCTV के कवरेज में वो पूरा मध्य स्थल रहेगा। इसके अलावा वहाँ पर वीडियोग्राफर्स की भी नियुक्ति की गई है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। CAPF की भी तैनाती हर मध्य स्थल पर की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था की स्थिति को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सभी मतदाताओं को भी हमने सचेत किया है कि अगर मत की गोपनीयता को कोई भंग करने की कोशिश करता है अथवा कोई अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हुए या फिर किसी की फेवर में मतदान करने की या प्रचार करने की कोशिश करता है तो उसको तत्काल उसके विरुद्ध FIR दर्ज करा के कार्रवाई की जाएगी। सभी हमारे जितने कार्मिक हैं उनको भी निष्पक्षता रखने और तत्काल अगर कोई भी ऐसी कोई स्थिति हमारे संज्ञान में आती है तो उसके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई करने के लिए उनको भी हमने सचेत किया है। जो हमारी पोलिंग पार्टियाँ हैं आज रवाना हो जाएंगी, आज अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच जाएंगी और कल मतदान के पश्चात यहीं स्ट्रांग रूम जो हमारा क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान में बना है यहीं पर अपनी मतपेटियों को जमा कराएंगे। काउंटिंग की कार्रवाई जो है वो 12 तारीख को सुबह 8 बजे माननीय भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से शुरू की जाएगी। सर, प्रतापगढ़ में आरोप लगते रहते हैं कि प्रशासन और खास करके पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष के इशारे पर स्थानीय निकाय में चुनाव में काम करते हैं, तो आपकी सकुशल चुनाव संपन्न हो जाए और आरोप भी न लगे, ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं पुलिस की? देखिए, पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्व चुनाव कराने के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं और शांतिपूर्वक ढंग से और निष्पक्ष चुनाव होगा। इसके संबंध में आज पोलिंग पार्टियां रवाना होगी, कल मतदान होगा और 18 सेंटरों पर पर्याप्त पुलिस बल और विशेष तौर पर पैरामिलिट्री भी वहां पर लगाई गई है। जिस भी सेंटर पर मतदान होना है वहां संबंधित थाने की बजाय दूसरे थानों से सर्कलों से फोर्स लगाया है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इसमें हर सेंटर पर एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 10 हेड कांस्टेबल, 5 कांस्टेबल, 5 महिला कांस्टेबल, PAC और पैरामिलिट्री का फोर्स लगाया गया। हमारे जो इंस्पेक्टर रहेंगे वो इस पर बॉडी वॉर्न कैमरा के साथ में रहेंगे। ड्रोन का भी इसमें इंतजाम किया गया है और हर सेंटर पर कोशिश की गई है कि एक गजटेड ऑफिसर भी रहे जो इसका पर्यवेक्षण करता रहे और उस संबंधित ब्लॉक के अंदर 3 QRT टीमें बनाई जाएंगी जो शांति व्यवस्था को देखेंगी। सर, जैसे मौके पर ये सूचना मिलती है कि फला BDC फला मतलब सदस्यों को जो वोटर हैं उनको अपहरण करने की कोशिश की गई, उनको यहाँ रखा गया, उनको लाने की कोशिश की जा रही वोटिंग दिलाने की एक साथ, तो ऐसी सूचनाएं आती हैं क्या आपके पास? अगर जो इस प्रकार की कोई सूचना आएगी उसके लिए मैंने बताया कि 3 QRT टीम का गठन किया गया, वो तुरंत इसको अटेंड करेंगे और जो भी जाँच के दौरान साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।